बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हर्बल टूथपेस्ट बनाना बताऊंगी। आप इसको हर्बल मंजन भी बोल सकते हैं और टूथ पाउडर भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों से खून निकलता हो या आपके दांतों में बहुत ज़्यादा पेन रहती हो, दर्द होता हो, या आपको कैविटी होने का ख़तरा हो, या आपके दांतों में कैविटी हो, तो फ्रेंड्स इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए आज हम टूथपेस्ट बना रहे हैं, हर्बल टूथपेस्ट। फ्रेंड्स, दांतों की पिलाहट को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, हम घर में इसी को यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट की जगह अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 3 दिन के अंदर आपको तमाम दांतों की बीमारियों से ये निजात देगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नीम पाउडर 1 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मीठा सोडा, कोकोनट ऑयल 3 टेबलस्पून और पुदीने का ऑयल यानी कि मिंट ऑयल 15 ड्रॉप्स यानी कि 15 कतरे हम इसके ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा होममेड ऑयल है और फ्रेंड्स ये मिनी साइज़ का कंटेनर है, इसके अंदर मैं अपने इस मंजन को बनाऊँगी। फ्रेंड्स, चूँकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही तमाम चीज़ें ऐड करूँगी, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने उस क्वांटिटी के तहत ही इसको बनाना है, क्योंकि मेरे पास पहले से बनाया हुआ मौजूद है, क्योंकि हम इसी को अपने घर में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नीम पाउडर ये आपके दांतों को बहुत ज़्यादा वाइट करेगा, आपको कैविटी से निजात देगा, दांतों के दर्द में बहुत ज़्यादा अफाका देगा। और फ्रेंड्स, इस जो बेकिंग सोडा है यानी कि मीठा सोडा, खाने का सोडा जो कि हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स ये आपके दांतों की पिलाहट को दूर करेगा, खून को बंद करेगा जो आपके दांतों से आता है, और ये आपकी स्किन, आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके दांत मोती की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। और कोकोनट ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल किया है जो कि हीलिंग का काम करता है और दांतों से खून आना फ़ौरन बंद हो जाएगा। और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मिंट ऑयल के 7 ड्रॉप्स, क्योंकि मैं हाफ़ क्वांटिटी में बना रही हूं और आपने 15 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। फ्रेंड्स, मिंट ऑयल की वजह से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये मेरा होममेड है। अगर आप लोगों ने मिंट ऑयल की रेमडी मिस कर दी है तो फ्रेंड्स आप मेरे यूट्यूब के चैनल नूर स्किन केयर पर जाकर इसकी रेमडी ईज़िली हासिल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मिंट ऑयल के नाम से। फ्रेंड्स, टूथपिक की मदद से मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब मंजन है, लाजवाब हर्बल टूथपेस्ट है, आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं, हम इसी को यूज़ करते हैं। मेरे भाई को भी इशू था दांतों के खून का, तो 3 दिन के अंदर उनके दांतों से खून आना बंद हो गया है और उसका उसके जो दांतों का दर्द है वो भी ख़त्म हो गया है। सो फ्रेंड्स, आप इसको बनाकर ईज़िली स्टोर कर सकते हैं, ये 15 से 20 डेज़ के लिए ईज़िली चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये पड़ा रहता है तो इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल मज़ीद शामिल कर लेना है। होप से फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।